हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर निकले थे, थोड़ा तो नहीं, हम जा रहे थे आज मूवी देखने के लिए और हमने मूवी देखी गदर 2। बहुत दिन हो गए रिलीज़ हुए लेकिन हमने नहीं देखी, क्योंकि पत्ते भी यहाँ होंगे तभी देखेंगे ना। और इस टाइम पर हम वापस आ रहे थे और वापस आते हुए हरिथ्वी ने लिया अपना फेवरेट सब का रैप, और यहाँ पापा हैं और साथ ही मम्मी भी हमारे साथ जो है वो मूवी देखने गए थे हमारे साथ ही। हाय गाइस, वी आर बैक एट होम। हम मूवी देख के आ गए हैं और मैंने अपना वही घसा पिटा टॉप डाल लिया है, क्योंकि घर से बाहर निकल के पता चला कि बहुत ज्यादा गर्मी है। और मूवी वाज ओके, नाइस, अच्छी थी। गाने वाने आपको पता ही है, गदर मूवी एंड कैसी होगी वो। मेरा ये है कि मेरा मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट कम है, मैं पुराने जमाने की चीजें मुझे ज्यादा पसंद है। जी बेटा जी, मैं करण को फोन कर रहा हूं। हाँ कर लो। तो आके ऋत्वी को तो रास्ते में सब खिलाया था। घर से जाते टाइम हम दोनों आलू के परौंठे खा के गए थे, 12 नहीं हम निकले थे 1 बजे, तो मैंने परौंठे वगैरह खा के गए थे, बट उसको सब खिलाया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बाहर का नहीं खाती, कुछ भी हो जाए। घर पे आके जो अपने लिए छोड़ के गई थी वही खाया, चाय पी, थोड़ा देर मम्मी से बात की। अब फोन में आ गई हूँ, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक खाने की तरफ होंगी। सिंपल दाल चावल बनेंगे आजकल। रिथ्वी बोल देती है कि मम्मा दाल चावल, तो दाल चावल ही शाम को बनते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इजी हो गया। ऐसा है कि कुछ चीजें अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ इंजॉय करने की, लेकिन कुछ चीजें कोशिश के बाद भी नहीं हो पाती। पहले मैंने सुबह इनको बोल दिया कि मुझे मूवी नहीं जाना है, आप दोनों जाओ, बट फिर बाद में इन्होंने मुझे मना ही लिया कि नहीं चल चल, क्योंकि पास में ही है हमारे, है ना। बट बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन में बहुत ज्यादा आवाजी, वहां पे मुझे घबराहट हो रही थी बड़ी मुश्किल से, और मूवी लंबी थी, 3 घंटे से ऊपर मूवी थी, बड़ी मुश्किल से। 1:45 स्टार्ट हुई थी, 1:45 पे 5 बजे जाके खत्म हुई है, बड़ी मुश्किल से देखी। चलिए अब खाना खा लेते हैं फटाफट से, है ना। गाइज, आपका एक क्वेश्चन मुझे बहुत इन दिनों आ रहा है कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन क्यों नहीं शेयर कर रहे, आप हरिथ्वी को टिफ़िन क्यों नहीं भेज रहे, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो जी हाँ, मैं बता रही हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी में ऊंच नीच होती रहती है। एक्चुअली हरिथ्वी के स्कूल बंद थे क्योंकि हमारे एरिया में फ्लड बहुत ज़्यादा आया हुआ था, दैट्स वाई। तो उसकी घर से ही ऑनलाइन क्लासेस थी, तो ऑनलाइन क्लास के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल अलग से रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसी के साथ ही बैठना होता है। सुबह 9:30 से लेके 2:45 तक उसकी क्लास होती है, तो पास ही रहना होता है, उसी बीच सारे काम भी करने होते हैं। तो सुबह मैं थोड़ा सा इजी रखती हूँ नाश्ता वगैरह, ताकि मैं सुबह ही ना थक जाऊँ, पूरे दिन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, बर्तन वर्तन सारे अब मैंने धो लिए हैं, मतलब अपनी तरफ से मैंने डिनर का काम जो है वो ख़त्म कर लिया है। जब खाएंगे तो जो खाने के बर्तन होंगे जस्ट वही होंगे। यहाँ पर हरिथ्वी कुछ अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, बस अब थोड़ी देर, कोशिश ये है, चदरे वदरे बेडरूम वगैरह साफ़ कर लिया था, थोड़ी देर लेटूंगी कि थोड़ा सा रिलैक्स सा मुझे फील हो। पता क्या है, बनाने तो दाल चावल ही थे, खड़े खड़े सेल्फ भी क्लीन करनी थी, बर्तन बहुत हो जाते हैं, वो धोए, फ्रिज नीचे वाला हिस्सा साफ़ किया है फ्रिज का, ऊपर वाला फ्रीज़र जो है मुझे कल या रात को ही देखती हूँ वो साफ़ करूँगी। खड़े खड़े दर्द होने लग जाती है अब ना नीचे वाले हिस्से में, टम्मी के नीचे, तो बहुत मुश्किल हो गया। ऋत्वी को होमवर्क तो मैंने पिछले कल ही करवा दिया था, लेकिन फिर भी कि क्विक सा रिवीजन, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट है, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एक बार रीचेक हो जाएगा, मतलब अपनी आँखों से निकाल लूँगी कोई चीज़ उसकी छूट तो नहीं गई है, वो करूँगी अब मैं। पहले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, 7:40 हो गए हैं। खाना इस टाइम पर हम दोनों खा लेते हैं, लेकिन जब से ऋत्वी के पापा आए हैं हमारा सिस्टम टाइम टेबल ख़राब हो गया। तो वैसे भी हरिथ्वी उसने सब खाया था, तो मैंने भी घर आके चाय के साथ रस वगैरह लिए थे। अभी मेरे को भूख है नहीं है, तो थोड़ी देर ठहर के उसको थोड़ा, एक 10-15 मिनट लगेंगे रिवाइज करा के, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। कहाँ पे 9 बजने वाले हैं और यह हरिथ्वी अपनी लास्ट वर्कशीट कम्प्लीट कर रहा है, और यहाँ पर हमने उसके सारे टेस्ट जो है वो रिवाइज कर लिए हैं अच्छे से, और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और हमेशा की तरह हमारा TV म्यूट पे है, ये म्यूट पे ही रहेगा सारी उम्र म्यूट पर रखने के लिए। लेकिन मेरे साथ एक कलोल हो गई है, मुझे अचानक से, हाँ जी बेटा जी, मम्मा जी इसका लास्ट तो बन लाता, हाँ दादा जी वाला, मुझको
और ना क्रेविंग हो गई है खीर पूरी आलू खाने की। मैंने कोशिश की, आराम से 1 घंटा बैठी रही कि अपना इधर उधर हो, पानी वानी पिया, क्रेविंग सेटिस्फाई हो, लेकिन नहीं हो रही। अभी उठ के मैंने चावल बने हुए थे उसे दूध में डाल के उसकी खीर डाल रख दी है, आलू रसे वाले। हरी सी आपकी प्लेट रेडी है? हाँ जी। मैंने काम को ना काल लिख दिया। कोई नहीं, तो बनाऊंगी। पानी पी लिया है मैंने भर के, ताकि मुझसे एक ही पूरी खाई जाए, क्योंकि पूरी रात को फिर अनहेल्दी वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैंने पानी वानी पी लिया, 1 गिलास और पी लूंगी कि मेरी भूख कम रहे। पर माई मम्मी सेड कि जो क्रेव होता है ना, तुझे तो घर के खाने का ही क्रेव होता है, तुझे बाहर का नहीं होता है, तो वो ज़रूर खाया कर। क्योंकि पीछे मुझे क्रेविंग थी, तो मैंने 2 दिन ना पूरी नहीं खाई थी, ये सोच के कि अनहेल्दी हो जाएगा एंड ऑल, है ना। तो मुझे लग रहा था मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। बस मेरी क्रेविंग ने आज मुझे मेरी थोड़ी सी दौड़ लगा दी, या कह लीजिए आधी रात को मेरी क्रेविंग की वजह से ही पंगा पड़ा। 1-2 दिन से मुझे क्रेव हो रहा था, लेकिन ना मैं पूरी खाने से बच रही थी। मुझे था कि ऑयली खाऊंगी अनहेल्दी हो जाएगा, या कुछ ऐसा वैसा, मतलब होता है ना डाइजेशन इस टाइम पे, एसिडिटी की दिक्कत भी आने लग जाती है, तो मैं उससे बचना चाहती हूँ। क्योंकि हरित्वी के टाइम पर इतनी नॉलेज नहीं थी, 8 साल पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी वाज वर्स्ट प्रेगनेंसी, बहुत बुरी प्रेगनेंसी थी, कोई नॉलेज नहीं थी मुझे क्या कैसे करना है। तो अब थोड़ा ये है कि डाइट को ध्यान से ही लेती हूँ, बट तो फिर भी मम्मा सेड के नहीं, तुझे अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई कर, इस वजह से भी तू बहुत लो फील कर रही है। तो बस बचे हुए चावल थे दोपहर को, उनको दूध में डाला, बचे हुए चावल नहीं, अभी शायद मैंने ताजे चावल बनाए थे, दूध में डाला, फटाफट से खीर का रूप दिया, 1-2 आलू थे, फटाफट से उनको क्रश करके ना आलू की सब्जी बना ली। तो यहाँ पे पूरियाँ लगाई हैं, सबने खाना खा लिया था, ऑलमोस्ट रित्वी ने भी खा लिया था, लेकिन होता है ना माँ का दिल, मुझे उसे भी देनी है 1 आध पूरी, तो उस हिसाब से बनाई, 2 अपने लिए बनाई, 1-2 बैल साहब के लिए बनाई। तो ये थोड़ा मैस हो जाता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं हाइजीनिक बहुत ध्यान रखती हूँ, पहले अच्छे से साफ सफाई करती हूँ, उसी के बाद इस तरह से अपना जो है वो पसीरा डालती हूँ, ताकि फटाफट से काम हो जाए। खड़े होने से बचना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे खड़े होने से पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। बट ये था कि क्रेविंग अगर मम्मी के पास होती ना, मम्मी ये चीज़ें बना के देती तो बहुत मज़ा आता, बैठे बैठे खाती। बट चलो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, आपने हिम्मत है, हम खुद कर सकते हैं, तो बस कर रहे हैं। मम्मी पापा ने ना खाना खा लिया था, वैसे उनसे मैंने पूछा कि आप खीर वगैरह कुछ लेंगे, तो दे सट के हमें खीर दे देना। तो पूरी वगैरह तो मैं खुद भी नहीं उनको रात को देना चाहती, दोनों क्योंकि दोनों की डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस हिसाब से मैं कंट्रोल करती हूँ कि उनकी डाइट भी अच्छी रहे, क्योंकि इस एज में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी होता है। पूरियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी थी, फूल के सब रेडी हुई थी, सिर्फ 1 आध ऐसी पूरी थी जो फूली नहीं थी। बड़ी बड़ी पूरियाँ मैंने फटाफट से बनाई, और मानेंगे मैंने आधे घंटे में खीर पूरी आलू की सब्जी सब रेडी कर लिया, अपनी टेस्ट सेटिस्फाई किया, और बहुत मज़ा आया। भंडारे वाली आलू की सब्जी मसाले वाली बनी थी, और उसके बाद यहाँ पे दोनों बाप बेटी लगे होती है ना, आपस में बहुत फंसते हैं गाइज़, आप बताइएगा। वैसे तो मैं भी अपने पापा के साथ बहुत फाइट करती हूँ, पता ही नहीं चलता कब खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, और वो रोना शुरू हो जाती है, और फिर मेरी जी का जंजाल जो है ना वो बढ़ जाता है। और क्रेविंग सेटिस्फाई करने के चक्कर में पूरी बैंड बज गई, 4 बार मैंने बर्तन धो लिए, किचन अच्छे से साफ हो गई है, ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो के रख लिए हैं, और यहाँ पे किचन के कपड़े गर्म पानी में भिगो दिए हैं, सुबह इनको साफ़ कर लूँगी, फिर ना चिकनाई अच्छे से निकल जाती है। और जो मैं जितने भी मेरे क्लीनिंग वाले ब्रश हैं उनको भी रख दिया। हाँ, मैं 9 बजे तक सारे काम ख़त्म करके लेट जाती हूँ, और आज 11 बज रहे हैं, और इस बंदे को नींद नहीं है, अभी इसकी मुझे वर्कशीट्स भी जो है वो चिपकानी है। बहुत अच्छा खिला रही है, चलो चलो रोना मत, ठीक है। सो गाइस बाय, गुड नाइट। हिरन कहाँ फंस गया था? हिरन जाल में। हाँ, हिरन जाल में फंस गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रित्वी की लगी हुई है ऑनलाइन क्लास, और सुबह से मुझे बहुत सारे काम हैं, जिसमें मैंने अपने भाई के साथ फ़ोन पे बात भी की है, जो बहुत बड़ा टास्क है। जाल में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि फ़ोन पे बात करना बिगेस्ट टास्क फॉर मी। उसके साथ में मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर ली उसके साथ बात करते करते, ये फ़ायदा हो गया। डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे रित्वी की लगी हुई है हिंदी की क्लास,
टाइम हो गया 10:30 और मैं अब करूंगी लंच की तैयारी साथ साथ, तो मेरी धज्जियां उड़ी हैं इसीलिए। लगभग एक वीक ये जो गया है और उसमें ऋत्वी की सारी ऑनलाइन क्लासेस ही लगी हैं, इस वजह से मैंने शूट भी कम किया। ये जो ब्लॉग है, ये अजय जो आप क्लिप देख रहे हो, ये इन दोनों ब्लॉग्स में ना 2-3 दिन का गैप है, और इस टाइम पर मैं दोबारा से आलू और खीर पूरी बना रही थी, मेरे को बहुत क्रेव हो रहा था। और उस दिन ना रात को ऋत्वी ने एक पूरी खाई थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी मम्मा मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि मैंने तो टम्मी भर के खाया है, मेरी बेटी ने नहीं खाया। माँ का दिल है ना, होता है ना। और मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है, क्योंकि मैंने ऋत्वी पे बहुत मेहनत की है। एज अ मदर मैं ज़ीरो थी जब मेरी बेटी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था बच्चे को कैसे खिलाना पिलाना पकड़ना नहलाना, ज़ीरो ज़ीरो कुछ नहीं आता था, तो सब कुछ अकेले करना पड़ा, हालात कुछ ऐसे थे। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया, अपने करियर को छोड़ दिया कि नहीं मुझे फोकस अपनी बेटी पर ही करना है। तो मैंने खाने पर उसके बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड वो फूडी बच्चा अब ना मुझसे ऐसे काम भी नहीं होते। तो ये एक साइड पे मैंने खीर रखी हुई थी, आलू उबले हुए थे, ऋत्वी की क्लास लगी हुई थी, बीच बीच में उसे भी देख रही थी। कुछ चीज़ें वो खुद से हैंडल कर लेती है, जब उसका टेस्ट हो जाता है तो मैं उठ के अपना जो है वो काम कर लेती हूँ, जब उसे ज़रूरत होती है वो आवाज़ लगा लेती है। तो इसी बीच मैंने डस्टबिन्स वगैरह खाली किए, उनको अच्छे से धोया, और डस्टबिन जिस बोर्ड पे लगा हुआ है उस बोर्ड को भी साबुन से अच्छे से धोया, क्योंकि कचरा वचरा डालते हैं जब हम डालते हैं तो फिर तो लेडीज़ तो बहुत ध्यान से डालती हैं कि इधर उधर छींटे ना पड़े, लेकिन जब पति देव डालते हैं ना तो फिर इधर उधर बहुत छींटे पड़ते हैं। पति देव के आने से सहूलत भी बड़ी होती है, हेल्प भी बहुत होती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली मैसीपन वाले, गंदगी वाले, उनको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहे हो। फिर मुझे बोलते हैं कि तू तो चिढ़ती रहती है, तेरे को बहुत सफाई की पड़ी होती है, सफाई के आस इधर उधर भी दुनिया है। बट मैं उन्हें क्या समझाऊँ, इस हालत में मुझे ज़्यादा होता है, मुझे सफाई का फोबिया बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी गंदगी दिखी मुझे साफ़ करनी है, और इस हालत में काम नहीं हो पाता ना तो गुस्सा ज़्यादा आता है मुझे, मतलब ऐसा होता है कि हाय मेरे से हो नहीं रहा। तो यहाँ पे बहल साहब भी आके मेरे साथ बात कर रहे थे कि तूने कैसे मानना है कैसे नहीं मानना है, तो मैं पटा रही थी उनको गाने गुने गा के कि नहीं सफाई भी बहुत ज़रूरी है यार। तो वो बोल देते कि मैं कर देता हूँ, पर मुझे ना वो चीज़ भी हज़म नहीं होती। किचन में जैसे प्याज व्याज काटना हो ना, वो मैं हेल्प उनसे ले लेती हूँ, कि अब पहले नहीं लेती थी अब ले लेती हूँ, खाना वाना बनाने में ऐसी वैसी हेल्प, दूध बॉयल कर दिया या मुझे चाय बना दी, ये चीज़ें अब मैं हेल्प उनसे ले लेती हूँ, बट ऐसी हेल्प नहीं लेती। तो यहाँ पे ऋत्वी की लगी हुई है क्लास, बस ख़त्म होने वाली ही है, और दूसरे रूम में उसके पापा जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, और इस साइड पे मैंने किचन विचन जो क्लीनिंग करनी थी कर ली है, मेरी खीर भी अच्छी कड़ कड़ के रेडी हो गई है, और बहुत टेस्टी लगती है यार, मुझे बहुत क्रेविंग होती है। अभी मैं बताऊँ आपको, अभी मुझे फिर से क्रेविंग हो रही है कि आलू बना लूँ, पूरी बना लूँ, खीर बना लूँ, पर मैंने अपना मुँह बांधा हुआ है। तो बस आलू उबले हुए हैं, फटाफट से सब्ज़ी बना लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मौसम्मी और अनार का जूस लूँगी। आज अनार शायद था नहीं, तो मैं अकेला मौसम्मी का जूस लूँगी, बट मैंने सोचा थोड़ी देर में लेती हूँ। मौसम्मी मैंने फ्रिज से निकाल के रखी कि उसका टेम्परेचर सेट हो जाए, ऋत्वी की क्लास लगी है, साथ में मैं बैठी हूँ, और मैंने अपना पिया है नींबू पानी। 11:30 का टाइम हो गया, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं गूंद तकीरा वाला नींबू पानी बना के रखती हूँ बॉटल में, तो वो मैं जो है वो 2 बार करके जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। और बस थोड़ा उठी जा रही थी, बैठी जा रही थी, काम कर रही थी, और उसके बाद टाइम हो गया था, सब्ज़ी शायद मैंने बना ली थी कि नहीं बनाई थी मुझे याद नहीं है, क्योंकि आलू सामने नहीं दिख रहे तो लग रहा है मैंने सब्ज़ी बना ली, आई डोंट नो, अब ध्यान में नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉग को भी 2 दिन तो मुझे लगता है आराम से हो गए हैं, क्योंकि सैटरडे तो मेरा निकला था पूरा उसमें डॉक्टर विज़िट में, मेरी स्कैन वगैरह थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज संडे है जिस दिन मैं कर रही हूँ, और हमारे आज बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, राखी लेके ताया ससुर की बेटियाँ आई हुई थी। और ये हैंड ग्राइंडर बहुत बढ़िया है, आप प्रेगनेंसी में ज़रूर रखिए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा लीजिए, स्पेशली अनार और मौसम्मी का जूस आप जितना ले सकते हैं, अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो ज़रूर लें। शाम को हम गए थे पीर बाबा जी की दरगाह पे माथा टेकने। हाँ, तो ये थर्सडे का गाइस ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में पीर बाबा जी को ही माना जाता है, ससुराल वाले मतलब शुरू से उनको मानते हैं। तो मुझे बहुत टाइम हो गया था जब से मैंने कंसीव किया, सिर्फ मैं एक बार गई थी, तो इस टाइम मैंने सोचा कि हम चद्दर वगैरह चढ़ा के आते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते हैं। तो वीरवार बहुत हेक्टिक रहा, तो फ्राइडे ऋत्वी की क्लासेज एंड टेस्ट उस थे, सैटरडे मेरा चेकअप था, संडे आज वैसे बहुत बिजी था, तो अब टाइम
टाइम निकाल के जो है वो मैं कर रही हूँ एडिटिंग वगैरह, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ में मैं क्विक वाला, ये अदरक है, प्याज, हरी मिर्च काटी हुई है, मैं बना रही हूँ रेसिपी नमकीन चावल, क्योंकि काम करने को अब दिल नहीं था, रात को थक गई थी मैं तो, पढ़ा पढ़ा के थक जाती हूँ। बस सिंपल से नमकीन चावल बनाए थे, सब्जियाँ डाल के, साथ में बनाऊँगी रायता। ऋत्वी को रायता के साथ नमकीन चावल बहुत पसंद है, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ रात को ये चीज़ें ना दूँ, फिलहाल वो ठीक है तो मैं उसे दे रही हूँ, और थोड़ा सा मेरा भी ईजीनेस हो रहा है, दैट्स वाई मैं सच्ची बात बताती हूँ। क्योंकि रात को अब चपातियाँ वगैरह सब्जी वगैरह प्रॉपर खाना बनाना, जिस दिन मैं थोड़ा शाम को रेस्ट हो जाती है उस दिन तो मैं प्रॉपर खाना बना लेती हूँ, जिस दिन रेस्ट नहीं हो पाती है उस दिन मुझे होता है कि दाल चावल जैसा कुछ बनाऊं ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। और यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ डाल के चावल वावल डाल दिए, पानी डाल दिया, थोड़ा सा खौल आने का वेट करूँगी, बॉयल आएगा तब ढक्कन लगाऊंगी ताकि सब्जियाँ जो है चावल में अच्छे से मिक्स हो जाएं, अदरवाइज़ नहीं तो सब्जियाँ फिर ऊपर ऊपर जो है वो रह जाती हैं, उनमें मसाला बिल्कुल नहीं लगता है। ढक्कन लगाएंगे, सीटियाँ दो लगाएंगे, बस फिर हमारे चावल जो है वो बन जाएंगे। और ये मेरी रात की क्रेविंग आज की, और ये कड़ा प्रसाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।